11, grade 5, subject EVS. Chapter name is Nations Plant. In the one word meaning, nation means country. Nation का मतलब क्या होता है? Country. And proud means, or pride means proud. Country यानी देश के लिए proud. And now I give the one more meaning about the nation's pride. Nation pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. It means nation's pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. Homeland यानी कि मातृभूमि, homeland जहां पर हम पैदा होते हैं, उसके लिए कुछ अटैचमेंट होना, कि सभी फीलिंग्स दिखाना, लव डिवोशन या लव यानी प्यार, डिवोशन यानी प्यार की जो फीलिंग होती है वो दिखाना, उसको बोलते हैं नेशंस प्राइड. एंड अलाइंस विद अदर सिटीजन्स हु शेयर द सेम सेंटीमेंट. It means अपनी धरती के लिए, मातृभूमि के लिए लव, प्यार और बलिदान, ऐसी वाली फीलिंग दिखाना. एंड ऐसे लोगों के साथ अलायंस बनाकर रखना, अलायंस यानी सहयोग बनाकर रखना, ऐसे सिटीजन, दूसरे जो सिटीजन होते इन अ कंट्री, जिसकी भी ऐसी सेम शेयर द सेम सेंटीमेंट यानी ऐसी सेम भावना जिस सिटीजन में होती है, ऐसे सिटीजन के साथ अलायंस बनाकर रखने को बोलते हैं नेशंस प्राइड. ओके, द वन वर्ड मीनिंग इज नेशन इज कंट्री एंड प्राइड मीन्स प्राउड. सो इन द जनरल चैप्टर आई विल गिव यू, आगे चैप्टर में और भी वीडियोस में जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसमें हमारी अलग कंट्री के लिए अलग किस किस ने सेक्रीफाइस किया था और इट मीन्स फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी. ओके Now student, I start the textual part, page number 88. Starting the video, I am already explaining you what is the meaning of nation pride. Now in the page number 88, two children are there. Okay, name was Vats and Ayushi. They both are watching TV. That time, just then, Ketul and हनी, दे कैम बैक फ्रॉम हनर टेम्पल विथ ग्रैंडमा. वो ग्रैंडमा के साथ टेम्पल में से वापस ही आए. सो दैट टाइम आयुषी ऑलरेडी वॉचिंग द टीवी. सो ग्रैंडमा आस्क्स टू आयुषी, व्हाट यू आर वॉचिंग इन द टीवी. सो आयुषी से आई सी द वन मूवी, मैं एक मूवी देख रही हूँ. सो ग्रैंडमा आस्क्स यू, डू यू नो हिम, आप जिसके बारे में देख रहे हो आप क्या उसको जानते हो. So Ayushi said, yes, yes, this is about Fearless Azad. I would like to hear some new words, Fearless. ये किसी इंसान का नाम नहीं, किसी इंसान की बड़ी अच्छी क्वालिटी बताए. Fearless means dare. Daring.
डेयर डेविल, फेयरलेस यानी कि निडर, आजाद, तो आजाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर आजाद। सो ग्रामर से फेयरलेस आजाद नेम वॉज चंद्रशेखर आजाद। फेयरलेस का मेन नाम क्या था, फेयरलेस आजाद, उसको एक टैग दिया गया था क्योंकि वो बहुत निडर था, डेयर फीलिंग वाले थे। ओके, एंड इट्स अ चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। दादी माँ बच्चों को बता रहे, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे जो बड़े होते हैं लाइक ग्रैंडपा ग्रैंडमा, वो हमें स्टोरीज बताएं। सो ग्रैंडमा चंद्रशेखर आजाद के बारे में बच्चों को बताती, विच वन स्टोन हर चिल्ड्रन, आयुषी, वत्सा, केतुल एंड हन। सो ऑल्सो ग्रैंडमा से फेयरलेस आजाद का नाम है चंद्रशेखर आजाद। नाउ ग्रैंडमा एंड सर टोल्ड टू वत्सा एंड आयुषी, सॉरी केतुल एंड हनी, कि आप ही है ना मूवी देखो, यू ऑल्सो वॉचिंग दिस मूवी एंड देन आफ्टर आई टेल यू वन स्टोरी, स्टोरी अबाउट वन ब्रेव चाइल्ड। ओके, अबाउट द आजाद, आजाद के बारे में ब्रह्मा ने एक और भी बात बोली थी, ही सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ही सैक्रिफाइस इट मीन्स आजाद ने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए। Sacrifice means the act of giving up something in order to help someone. Sacrifice means balidan dena, meaning the act of giving up something in order to help someone. It means अगर किसी को चीज कुछ चाहिए हो, something they want, उनको कुछ चाहिए और उनको वो देना, किसी की help करना, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। नाउ देन आफ्टर ग्रैंडमा शो द फोर पिक्स टू वन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वत्सा आयुषी को वो चार पिक्स दिखाते। सो ऑलरेडी देन दिस फोर पिक्चर्स इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 and 89। नाउ यू ऑल आर लुकिंग दैट फोर पिक्चर ऑन दिस बुक एंड आई टेल द स्टोरी। ओके, कि इस फोर पिक्चर के पीछे कौन सी स्टोरी दादी माँ ने उनको सुनाई होगी। ओके, सो लुक एट द बुक। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर वन बॉय वॉज देयर, ही ऑब्जर्व दैट द रेलवे ट्रैक वॉज ब्रोकन। सो नाउ इन द सेकेंड पिक्चर एज यू कैन सी दैट द बॉय वॉज वेविंग हिज शर्ट एंड ट्रायर टू gave the signal to the guard. Now in the third picture, the guard asks the boy that why he was waving his shirt, to which the boy replied that the railway track was broken and he tried to help ki jaise train ka koi accident na ho. Okay, listening to this, guard appreciate the boy for his bravery and congratulated him. Now in the last picture, the boy got an award for his bravery. So students, I hope you understood today's training video. In the starting of video, I explain you what is the meaning of national flag and all the next. I give the new words meaning with the meaning. Fearless means dare and devil, yani ke letter. Sacrifice yani ke balidan karna. And I explain you one story. Now, today's homework. In the online lecture, during the online lecture, I will ask you 5 answers. So, aap poochho ke questions kya hai. So, on the questions, on the page number 89.
ओके रिलेटेड ऑफ स्टोरी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है. सो फाइव क्वेश्चंस ऑलरेडी इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू ऑब्जर्व दिस वन वीडियो. व्हेन माय ऑनलाइन लेक्चर विल बी देयर दैट टाइम आई विल आस्क यू दैट पर्टिकुलर आंसर कि फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा, व्हाट यू सी इन द सेकंड पिक्चर. ऐसे करके आपको पांच क्वेश्चंस दिए हुए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.